दोस्तों, जो इंसान अपनी ज़िंदगी को, अपने अकेलेपन को, अपनी तन्हाई को एंजॉय करता है ना, दुनिया का बड़े से बड़ा गम भी उसे दुखी नहीं कर सकता। तो सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सबनु जी आया नु, कैसे हैं आप लोग। सो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दिल्ली की मेट्रो शुरू हो गई है और मैं जल्दी ही मेट्रो से जाऊँगा। हेयर कट के लिए जाना है, सीबी भी जाना है, बहुत सारे व्लॉग्स भी बनाने हैं। और आज माय प्रोटीन का बॉक्स आया है, उसे अनबॉक्स करते हैं और सब्जी मंडी लेके चलता हूँ अपनी। चलिए चलते हैं। हाँ जी, सो दोस्तों हमारा बन गया है ये डोसा, प्रोटीन वाला डोसा, साथ में है सिनेमन वाली चाय। मैंने पनीर की सब्जी ऑलरेडी बनी हुई थी और ये डोसा बनाया है छोटा सा। मैंने एक ही बनाया क्योंकि क्या होता ना कि अब मैं चाय के साथ कुछ खाना चाह रहा था, मैं मुझे लगा चलो प्रोटीन का डोसा बनाते हैं। और ये माय प्रोटीन वालों का डोसा है, जब मैंने जो ऑर्डर बाय किया था आपने देखा ही होगा शुरू में, तो खा के देखते हैं कैसा बना। मैंने एक ही बनाया क्योंकि मैं नहीं चाहता वेस्ट जाए, क्योंकि फिर पेट भर जाता है। और खाऊं कैसे इसको, इसको रोल कर लेते हैं। अच्छा, अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी आपको मैं दिखाता हूं हम लोग क्या करने वाले हैं। मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे मैं शूट कर सकता हूं और लोगों को ज्यादा पता भी नहीं लगेगा। नॉट बैड, इट्स गुड, क्योंकि पनीर की सब्जी बहुत टेस्टी है तो ये डोसा अच्छा लग रहा है। जब हम जब कुछ करते हैं ना तो हमें हमेशा लगता है कि हम अच्छा ही कर रहे हैं। जब आप कोई सब्जी बनाओगे, खाना बनाओगे, तो क्योंकि आपने इतनी मोहब्बत से बनाया होता है, खुद ने बनाया होता है, तो आपको अच्छा लगता है। जीवन में ऐसे ही होता है, हम कई चीजें करते हैं जो हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, पर यह जरूरी नहीं कि वो सही हो। तो अपने जो खास दोस्त हैं उनकी राय ले लेनी चाहिए कि इसकी सब्जी बहुत अच्छी है, क्योंकि डोसा जैसा मर्जी बनाओ आपका उसके अंदर का स्टफ टेस्टी होना चाहिए। सांभर तो मुझे बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरा एक फ्रेंड है साउथ इंडिया से है, तो उसने एक मूवी का रिव्यू किया, कहता ये मूवी ऐसी है जैसे नॉर्थ इंडिया का सांभर होता है। मतलब ऑब्वियसली नॉर्थ इंडिया में अच्छा सांभर नहीं बनता, तो उसने मूवी को बताया कि इट्स नॉट अ गुड मूवी। फिर क्या हुआ, एक बार मैंने मूवी का रिव्यू किया उसको टैग करके फेसबुक पे, मैंने बोला ये मूवी ऐसी है जैसे साउथ इंडिया का सरसों का साग।
वो इतना हंसा। ऑब्वियसली देखो हर कल्चर अलग होता है ना, हम वैसा नहीं कर सकते। अब जैसा सरसों का साग पंजाब में बनता है वैसा कहीं भी नहीं बन सकता। सारा सारा मट्टी के बर्तन में बनाते हैं, सारा सारा दिन वो कड़ता रहता है, उसको मिक्सी में नहीं करते हैं। वो मदानी, जो मदानी को हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं क्या बोलते हैं, मदानी जो होती है ना उससे वो पीसते हैं। वो इतना मस्त बनता है। और उसकी खासियत क्या होती है साग की कि जितना मर्जी उसमें आप बटर डाल लो, बटर गायब हो जाता है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूं। एक ये चीज दिखाता हूं, ये क्या है ये आप ऐसे पहन सकते हो उसको चेस्ट पे, यहां पे, हाँ यहाँ पे आपके मोबाइल कह रहा हूँ, आपका जो कैमरा है वो यहाँ पे लग जाएगा, गोप्रो। तो इसको मैं चेस्ट पे पहनूंगा, चेस्टी बोलते हैं, गोप्रो चेस्टी, इसको यहाँ पे पहन के लगा लूंगा। तो ये होगा कि लोग ना ज्यादा, लोगों को ज्यादा पता नहीं लगेगा मैं शूट कर रहा हूँ, ये केवल उसी को पता लगेगा जिससे मैं डील कर रहा हूँ, जैसे जिससे मैं सब्जी खरीदूंगा वो इसको देख पाएगा। आसपास इतना ज्यादा लोग ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अगर कैमरा ऐसे पकड़ के चलो तो लोग अक्सर ध्यान देते हैं। तो अभी अब मैं जाने वाला हूँ सब्जी मंडी, वहां से कुछ सब्जियां लेके जाते हैं, आते हैं अब, और मैं ये खत्म करता हूं, तब तक चलते हैं। जी दोस्तों, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, देखते हैं यहाँ पे। ये क्या चीज़ है भैया? ये वो काली सरसों। काली सरसों, अच्छा। ये चक्रफल कैसे दिया? वो स्टार फूल 130 का 100 ग्राम। भैया कर दो यार। कितने के 100 ग्राम? क्या ये स्टार फूल? इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? स्टार फूल। स्टार फूल नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे आप तो इंग्लिश में बोल रहे हो। नहीं तो ये स्टार, ये स्टार ही बोलते। चक्रफल बोलते हैं? नहीं हम तो चक्र नहीं बोलते हैं। अच्छा, ये खाना है एक। ये बीच बीच में एक क्या डाला है? अच्छा यही है, सारा एक ही है। अच्छा चलो कर दो। कैसे दिया ये? एक गठी आधा किलो चाहिए? 40 रुपए किलो बोला ना आपने। अच्छा आधा किलो, क्या बोलते हैं इसको? चौलाई का साग। चौलाई का साग, अच्छा। एक लाल वाला होता ना, ये हरे वाला। इसको कहते हैं। ये क्या चीज़ है भैया? क्या है? अजवाइन का फूल? क्या है ये क्या है? नोनी के साग है। अच्छा गोभी कैसे थी? गोभी, गोभी कैसे थी? अरे बाप रे, 100 रुपए किलो गोभी। पपीता कैसे दिया है? 20 का आधा किलो। मैंने ज़्यादा सब्जी कुछ ली नहीं क्योंकि ज़रूरत है नहीं, थोड़ी सी सब्जी थी। बीन्स कैसे थी? पाव कर दो। हाँ? ये शूट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, नहीं।
ऐसे ही हैं। बाइक चला के आए हो? बहुत महंगा है, मैं भूल गया आईएनए मार्केट से मुझे ख़रीदना चाहिए था, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा है। तो मैंने जब जाना है सरोजनी मार्केट तो मैं वहाँ से ले लूँगा पक्का। तो अभी इतनी ही हम करते हैं, ठीक है।